Ekal Gramothan Foundation is not just a name, but a symbol of a developed and self-reliant India. For the past 34 years, Ekal Gramothan has been working for the upliftment of society in those remote rural areas of India where the government has not been able to reach, empowering many sections of society. Today, we will learn about one such beneficiary who, after receiving training from the Ekal Gramothan Foundation, is standing on her own feet and earning by her own income. जय श्री राम। मेरा नाम शिवानी साहू है। मेरे पापा का नाम मिस्टर विजय कुमार साहू है। मेरा घर बीरपुर में है। मेरा घर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पड़ता है। मैं अपने घर से पैदल आती हूँ यहाँ पे सिलाई सीखने के लिए। मैं बहराइच के उत्तर प्रदेश के रहने वाली हूँ और मैं यहाँ एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन में सिलाई सीखने आती हूँ। मेरी एक फ्रेंड आती थी यहाँ पे सिलाई सीखने, तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पे अच्छे सिलाई सिखाते हैं और मुझे सिलाई सीखने का बहुत शौक़ था, इसलिए मेरे क्षेत्र में कोई सेंटर नहीं खुला था। लेकिन जब से एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन आया तब से मैंने सिलाई भी सीखी और अच्छी सिलाई भी कर लेती हूँ। मुझे तो पहले मशीन में नहीं चलाना आता था, लेकिन अब मशीन में मुझे अच्छे से चलाना आता है। हर एक कपड़ा सिलना आता है मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली जो है तो थोड़ा हम गरीब घर से हैं और मैं आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन पैसे के कारण शायद मैं आगे नहीं पढ़ सकती। लेकिन जब से मैं सिलाई यहाँ पे आती हूँ सीखने, तब मुझे लग रहा है कि मैं शायद आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ, क्योंकि सिलाई सीखती हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ से जाती हूँ, घर पे कपड़ा सिलती हूँ। कपड़ा सिलने से मुझे 4 पैसे मिलते हैं, जिससे कि मैं अपने पढ़ाई में लगाती हूँ और आगे चल के मैं और पैसे कमाऊँगी, जो कि मैं आगे की भी पढ़ाई कर सकूँ, क्योंकि मेरे फैमिली वाले पढ़ा नहीं सकेंगे आगे, इसलिए मैं अपने पैसे से पढ़ना चाहती हूँ। मेरे तरफ से एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।